वेलकम बैक टू माई क्रॉप टॉक योर ऑन यूट्यूब चैनल डाइम हिमांशी वंस अगेन विद यू। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ टिहरी डैम प्रोजेक्ट के बारे में। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टिहरी डैम प्रोजेक्ट क्या है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए या टिहरी डैम है क्या। सो टिहरी डैम क्या है, टॉलेस्ट डैम है इंडिया का, ठीक है। बहुत सारे इसमें क्या है, मल्टीपर्पज़ रॉक्स हैं, अर्थवील एम्बार्कमेंट डैम है जो कि किस पर बना हुआ है, भागीरथी रिवर पर बना हुआ है नियर टिहरी, ठीक है। टिहरी जो एक एरिया है उत्तराखंड में, सिटी है बेसिकली, वहाँ पर जो भागीरथी रिवर है वहाँ उसमें ये बना हुआ है, इसलिए इसका नाम टिहरी डैम भी रखा गया है। ये टिहरी कहाँ पर, उत्तराखंड इंडिया में सिचुएटेड है, ठीक है। और ये जो किसने बनाया था, ये बनाया था THDC इंडिया लिमिटेड ने। THDC है क्या, टिहरी डैम हाइड्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड, या इस कंपनी का नाम है, ठीक है। जो टिहरी डैम है वो क्या है, विदहोल्ड सा रिजर्वोयर और इरीगेशन, ठीक है, साथ ही साथ म्यूनिसिपल वाटर और सप्लाई या फिर जनरेट करता है लगभग 1000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी हम सभी जानते हैं, एंड हाइड्रो मीन्स वाटर, यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी जो किससे बनाई जाती है, वाटर से बनाई जाती है। सो जो प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है टिहरी डैम की, ठीक है, वो मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करती हूँ टिहरी डैम के बारे में। सो ये जो डैम है वो सबमर्ज है 487 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में भागीरथी वैली के, ठीक है। ये क्या कोज करता है, एक इकोलॉजिकल डिज़ास्टर कोज करता है, कैसे, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, चाहे वो एनिमल्स की हैं, प्लांट्स की हैं, जिस पर्टिकुलर एरिया में थी उनका डिस्ट्रक्शन हो गया है उनके नेचुरल हैबिटेट से। साथ ही साथ ये जो डैम है, ये इसका जो एपिसेंटर ट्रैक्ट है, ये डेंजरस महार टीयर फॉल्ट में आता है, ठीक है, जो कितना डेप्थ है जिसका 7.5 किलोमीटर, ठीक है। मोर ओवर जो हिमालया बेल्ट है वो क्या है, एक सीज़मिक एक्टिव एरिया है, यानी कि एक भूकंप प्रभावित एरिया है, ठीक है, जो एक्सपीरियंस करता रहता है बहुत, मतलब कर चुका है अभी तक 8 बहुत बड़े बड़े अर्थक्वेक्स को। जो एक्सपर्ट्स हैं वो बिलीव करते हैं कि जो एडजेसेंट हील है, यानी कि इसके पास वाली जो हील है, यानी कि पहाड़ी है बेसिकली, वो वैसे तो उसमें अभी तक कोई मेजर अर्थक्वेक नहीं आए हैं अभी तक, ठीक है, लेकिन अगर ये हिल कोलैप्स करती है, ठीक है, तो इसका रिजल्ट बहुत ही बुरा होगा डैम के साथ, वो उसके साथ कोलैप्स कर सकती है। जो गवर्नमेंट है वो उसको प्रोटेक्ट करती है हमेशा डैम को, वो कहते हैं कि इस डैम के बहुत सारे हमें बेनिफिट्स हैं, ठीक है। ये इंक्रीज़ करती है लगभग 24,000 मेगावाट पावर इलेक्ट्रिसिटी को नॉर्दर्न जोन की, ठीक है। ये जो डैम है प्रोवाइड कराता है वाटर किसके लिए, इरिगेशन के लिए, यानी कि सिंचाई के लिए, इवन ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, यानी कि जब क्या हो रही है, सूखा पड़ा है, उस टाइम पे भी लगभग 60 लाख रेजिडेंट्स हैं दिल्ली में और यूपी में, जिनको ये क्या दे रहा है, ड्रिंकिंग वाटर दे रहा है। और मानसून के दौरान क्या होता है, एक्स्ट्रा वाटर इसमें क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, ठीक है, यानी कि बारिश वाला जब सीज़न होता है। जो स्टेट है यूपी और वेस्ट बंगाल, यानी और यहाँ तक कि बिहार भी, उसको ये साथ ही साथ किससे, जो फ्लड्स आती हैं, यानी कि जो बाढ़ आती है उनसे भी उनको क्या करता है, सेव रखता है। नेक्स्ट हम जानेंगे क्या क्या बेनिफिट्स हैं टिहरी डैम प्रोजेक्ट के, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने दो तरीके के बेनिफिट लेने की कोशिश, दो तरीके से बताने की कोशिश की है, एक तो नेशन वाइड जो बेनिफिट हो रहा है, दूसरा जो नियर बाय एरिया या रीजन के द्वारा जो बेनिफिट हो रहा है उसके बारे में। सो पहले हम जानते हैं बेनिफिट्स ऑफ द प्रोजेक्ट इज़ बेनिफिट टू नेशन, यानी कि नेशन को क्या क्या बेनिफिट मिल रहा है। पहले तो 24 मेगावाट ऑफ एनवायरमेंट फ्रेंडली पैकिंग पावर मिल रही है, यानी कि 6532 मेगा यूनिट ऑफ एनुअल एनर्जी, ठीक है। साथ ही साथ 1000 मेगावाट, यानी कि 3532 MU ऑफ एनुअल एनर्जी, यहाँ पर एनुअल आएगा इन स्टेज। दिस इज़ बाउंड टू लीड इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर ग्रोथ इन नॉर्दर्न रीजन, ठीक है। साथ ही साथ ही क्या करता है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी करा रहा है, साथ साथ एग्रीकल्चर ग्रोथ भी करा रहा है नॉर्दर्न जोन में या रीजन में। 12% पावर फ्री ऑफ होम स्टेट, ठीक है, यानी कि जो 12% इसका पावर फ्री है किसमें, होम स्टेट में, अपार्ट फ्रॉम पावर एज पर देयर शेयर, ठीक है, वेयर डिस्ट्रेस
इज कोज बाय सेटिंग अप द प्रोजेक्ट एट अ स्पेसिफिक साइट. ठीक है, एडिशनल एनर्जी है डाउन स्ट्रीम से. ठीक है, वो कैसे है, रन ऑफ रिवर स्कीम के थ्रू है. ठीक है, नेक्स्ट है इरीगेशन ऑफ 2.7 लाख हेक्टेयर ऑफ न्यू एरिया. यानी कि आप देख रहे हैं कितने बड़े एरिया की सिंचाई कर रहा है, 2.7 लाख हेक्टेयर एरिया. स्टेबलाइजिंग ऑफ इरीगेशन इन ऑलरेडी इरीगेटेड 6.0 लाख हेक्टेयर. ठीक है, साथ ही साथ 300 कोजेस यानी कि 162 मिलियन गैलन पर डे वाटर सप्लाई करता है ये दिल्ली को. ठीक है, विच विल मीट ड्रिंकिंग वाटर नीड ऑफ 4 मिलियन पीपल. ठीक है, जिससे 4 मिलियन पीपल को क्या, पीपल्स को क्या मिल रहा है, ड्रिंकिंग वाटर मिल रहा है. 200 कोजेस यानी कोजेक्स. ठीक है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, 108 मिलियन गैलन पर डे यानी कि जिसमें क्या हो रहा है, वाटर सप्लाई हो रही है यूपी को. ठीक है, जो कि लगभग 3 मिलियन पीपल की जो ड्रिंकिंग वाटर नीड है उसको पूरा करता है. साथ ही साथ द प्रोजेक्ट विल लीड टू ऑल अराउंड द डेवलपमेंट ऑफ द रीजन. ठीक है, ये जो प्रोडक्ट है, जो प्रोजेक्ट है वो किसको लीड कर रहा है, डेवलपमेंट को रीजन, वो जो आसपास का रीजन है या फिर जहाँ पर भी ये सप्लाई कर रहा है कुछ भी उस रीजन की, थ्रू बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, साथ साथ पर्टिकुलरली पीक टाइम पावर. साथ साथ जो फ्लड मॉडरेशन है ड्यूरिंग मानसून, वो भी क्या हो रहा है, इसके स्टोरेज एक्सेस ऑफ वाटर की वजह से कहीं ना कहीं कंट्रोल हो रहा है. ठीक है, इसमें डेवलपमेंट किया जा रहा है पीसी कल्चर का, साथ ही साथ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हो रहा है किसका, कैचमेंट एरिया का, इनके आसपास के एरियाज का. अब जो नियर बाय रीजन है उनके, उनको क्या बेनिफिट मिल रहा है, उनके मतलब उनको इसकी वजह से या फिर इस जिसकी नियर बाय रीजन है उसका क्या बेनिफिट मिल रहा है. ठीक है, पहला है डेवलपमेंट ऑफ हिल स्टेशन. ठीक है, यानी कि इसके वजह से इसका जो एरिया है, ठीक है, हाइट है वो कितनी है, लगभग 1550 से लेके, ठीक है, 1550 से लेके 1850 मीटर तक है. ठीक है, तो ये क्या है, एक हिल स्टेशन है, तो उसका भी कहीं ना कहीं डेवलपमेंट हुआ है. पहले जो ओल्ड, अब दो तरीके के टीरी भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, ओल्ड टीरी एंड न्यू टीरी, जो कि एक मॉडर्न टाउन बन चुका है. ठीक है, न्यू टीरी के नाम से, तो उसका भी कहीं ना कहीं डेवलपमेंट हुआ है. बेटर रोड नेटवर्क यानी कि इसको अच्छा रोड नेटवर्क मिला है इसी की वजह से. ठीक है, काफ़ी अच्छे रोड्स बन गए हैं वहाँ पर, वहाँ के लोगों को एजुकेट किया जा रहा है. ठीक है, स्कूल कॉलेजेस बनाए जा रहे हैं वहाँ पर, तो एजुकेशन में भी कहीं ना कहीं क्या हुई है, यस, इंक्रीमेंट हुआ है. साथ ही साथ हेल्थ फैसिलिटीज़ यहाँ पर बढ़ी हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं, तो क्योंकि हिल स्टेशन है वहाँ पर घूमने भी लोग आते हैं. ठीक है, या फिर जो वहाँ के लोकल एरिया हैं, तो डैम के आ जाने से कहीं ना कहीं क्या हुआ है, काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, और एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ में भी बढ़ा है, इलेक्ट्रिफिकेशन भी हुआ है, क्योंकि अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है तो आसपास के एरिया में इजीली जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोवाइड की जा रही है. ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ भी इसकी वजह से बढ़ी हैं, यानी कि जो पीने लायक पानी है वो टिहरी के नियर बाय एरिया में ज़्यादा बढ़ा है. एक ये कैसा है, एक हिली एरिया है, ठीक है, माउंटेन वाला एरिया है. साथ ही साथ क्या हुआ, सेटिंग ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल्स. ठीक है, नई नई इंडस्ट्री हैं वो इस एरिया में जा रही हैं, किसमें, टिहरी के नियर बाय एरिया में. साथ ही साथ टूरिज्म भी बढ़ा है. ठीक है, लोग डैम देखने के लिए आते हैं कि टॉलेस्ट डैम है ये इंडिया का. ठीक है, तो इसने कहीं ना कहीं जो टूरिज्म है उसको भी अट्रैक्ट किया है. साथ ही साथ ये क्या बन गया है, एक कमर्शियल सेंटर यहाँ पर आएगा, सेंटर बन गया है. ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये उत्तराखंड स्टेट को कहीं टूरिज्म की वजह से भी, और कमर्शियल सेंटर बन गया है इसीलिए, कहीं ना कहीं उसको भी क्या दे रहा है, मनी प्रोवाइड करा रहा है. नेक्स्ट हम जानेंगे डिसएडवांटेजेस एंड रिस्क ऑफ द प्रोजेक्ट. सो पहला ही जो रिस्क है या डिसएडवांटेज में कहूँ, तो सीजमिक रिस्क किसकी वजह से बढ़ा है, यानी कि जो भूकंप आने के चांसेस हैं वो काफ़ी बढ़ गए हैं. नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैबिलिटेशन हुआ है इसकी वजह से. ठीक है, सॉरी, रिहैबिलिटेशन हुआ है. नेक्स्ट है बहुत सारे इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस भी इसके वजह से देखने के लिए मिले हैं. ठीक है, बहुत सारे, क्योंकि आप देख रहे हैं इकोलॉजी तो पूरी डिस्टर्ब हो ही गई है, वहाँ का जो प्लांट थे, वहाँ के जो एनिमल हैं
वो भी काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो चुके हैं, उनको उनका रियल एरिया नहीं मिल रहा है। जो बागीरथी रिवर के नियर बाय जो वेजिटेशन थी वो पूरी तरीके से क्या हो गई, डिस्टर्ब हो गई इसके वजह से। नेक्स्ट करप्शन बढ़ा है, ठीक है, जो वहाँ के लोग हैं वो डैम के नाम पे बहुत ज़्यादा पैसा खा रहे हैं, ठीक है। जो यहाँ तक कि जो गवर्नमेंट पीपल्स हैं वो भी, तो करप्शन को भी इसने इंक्रीज़ किया है। ओवर शूटिंग एंड इकोनॉमिक कॉस्ट ज़्यादा हो गई है अभी, ठीक है। साथ ही साथ जो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हो गई हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग चुनाव हैं, चुनाव के दौरान क्या होता है, लोग डैम के नाम पे बहुत ज़्यादा वोट मांगते हैं कि हम इसको हटवाएंगे, कोई कहता है रखवाएंगे। यहाँ तक कि क्या होता है, जो बहुत सारे इन्वायरमेंटलिस्ट होते हैं वो भी क्या कर रहे हैं, इसके खिलाफ हैं, ठीक है, क्योंकि वो चाहते हैं कि डैम यहाँ पर नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ वहाँ के कुछ लोकल पीपल भी हैं जिस प्रोजेक्ट के खिलाफ हैं कि वो नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो, साथ ही साथ कुछ वहाँ के जो रिलीजनस पीपल हैं वो क्लेम करते हैं कि जो गंगा है वो एक प्योर रिवर है, उससे को आप इस तरीके से यूज़ नहीं करना, हम अपनी गंगा को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे जनरेशन करने के लिए, किसको, इलेक्ट्रिसिटी को। वहाँ की जो फ्लावरिंग है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई है, ठीक है, बहुत सारे प्लांट्स हैं वहाँ के वो ख़त्म हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं हमने इलेक्ट्रिसिटी या कुछ चीज़ के लिए हमने वहाँ का बहुत सारी लाइफ को हार्म किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।